नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने एक बार बताया था आप लोगों को कि ये समय का जो चक्कर है वो चलता ही रहता है, तो उसी के अनुसार जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है। और हमने एक बात और बोली थी कि आप डेली प्रतिदिन उठकर सुबह एक टारगेट फिक्स करिए और उसके अनुसार अपनी स्टडी करिए। तो आप लोगों ने अगर ऐसा किया है तो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। फिलहाल आज हम चित्रकला का आपको जो ड्राइंग है उसका एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। उस मॉडल पेपर को आप देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। जो कुछ चित्र मेक करने वो मेक करके देखिए आप लोग कैसे कर पा रहे हैं। अपने आप खुद जज करें कि हम कितने पानी में हैं, कहाँ तक हमने स्टडी अपनी की है। कुछ रिटर्न भी है इसमें, तो आइए देखते हैं चित्रकला का मॉडल पेपर। पहला मॉडल पेपर है, हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिए। ये जो निर्देश हैं दोस्तों वो अपने आप लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ लिंक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप जाकर पीडीएफ फाइल भी इसकी डाउनलोड कर लेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे बात करते हैं। तो इसमें तीन खंड होंगे, कुल मिलाकर तीन खंड होंगे, क, ख और ग। खंड का जो होगा वो अनिवार्य रहेगा और ख और ग में से कोई एक खंड आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो देखते हैं खंड का जो कि अनिवार्य खंड है, इसमें या तो आप प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बनाएंगे अथवा आलेखन बनाएंगे या प्राविधिक कला। इसमें आपको कुछ रचनाएं दी गई होंगी, जैसे ये दी हुई हैं, पांच रचनाएं दी हुई होंगी। इन पांचों में से कोई तीन रचनाओं की रचना करनी होगी। क्लियर है दोस्तों? फिर से देखिए क्या दिया है प्राकृतिक दृश्य में। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है वो देख लीजिए कि 20x15 सेंटीमीटर के कम से कम आयत में नौका विहार का दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें झोपड़ी, पेड़ आदि नदी किनारे चित्रित हों, और इसे जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों से सजाना है। जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों से सजाएं। और इस नंबर का ब्यौरा दिया है कि किस किस प्रकार से आपको नंबर इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ये 45 मार्क का है। ये करें अथवा आलेखन बनाएंगे। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में किसी एक भारतीय पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन से एक प्राकृतिक अथवा आलंकारिक आलेखन बनाइए तथा किन्हीं तीन रंगों से पूर्ण कीजिए। इसमें आलेखन में सिर्फ आपको तीन रंगों का प्रयोग करना है और ये बनाने हैं। चाहे ये करें, चाहे वो पहला जो आपका प्राकृतिक दृश्य था, या आलेखन करें अथवा प्राविधिक कला से जी रचनाएं दी हुई हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के दो वृत्तों को बनाइए, जिनके केंद्रों की दूरी 9 सेंटीमीटर हो, उनकी बाह्य सामान्य स्पर्शी खींचिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे इनमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। जैसे 5 दिए हैं, आ, वा, सा, दा, या, इन 5 में से कोई 3 क्वेश्चंस को आपको करना होगा। और तीनों जो क्वेश्चन है वो 15-15 मार्क के होंगे, यानी 45 के ये 3 करने होंगे तब हो पाएंगे 45, 15-15 3 क्वेश्चन। अगला है खा स्मृति चित्रण। चाहे खा करें या गा करें, पहले हमने आपको बताया था। तो इसमें खा में क्या होता है कि स्मृति चित्रण में निम्नलिखित में से किसी एक चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र आकार में 16 सेंटीमीटर से कम का ना हो। एक चित्र खींचना है आपको पेंसिल से ही, इसमें कलर नहीं करना है, और 16 सेंटीमीटर से वो चित्र कम ना हो। जैसे गमला एवं हजारा, या 2 केले सहित प्लेट, सुराही एवं गिलास, बसूला एवं आरी। ले रहे ये दो बनाने हैं, जैसे दो तो दिए हैं, सभी में गमला एवं हजारा बनाना होगा, सुराही एवं गिलास, या 2 केले सहित प्लेट, बसूला एवं आरी। ये कर देंगे, इसमें से एक करना है कोई, जैसे का का ऑप्शन दिया, खा दिया, गा घा दिया, इनमें से कोई में से एक करना है। अथवा खा खंड नहीं करते हैं तो वो स्टूडेंट गा करेंगे, इसमें आपको रिटर्न वाला होता है। जैसे राजस्थानी चित्रकला पर संक्षेप में लेख लिखिए, या किशनगढ़ की चित्रकला का लघु विवेचन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इनके आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे बाद में। हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं थी इसलिए हमने ये मॉडल पेपर है वो पहले अवेलेबल करा दे रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें तब तक। और अगले जो क्वेश्चन होंगे वो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें विकल्प मिलेंगे आपको। तो देखते हैं इनके आंसर हम साथ में ही टेल कर देंगे आप लोगों को। किस पुराण में चित्रसूत्रम लिखा गया है? तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्रम लिखा गया है। नेक्स्ट, राजपूत शैली किस धर्म पर आधारित है? ये क्वेश्चन है तो ये हिंदू धर्म पर आधारित है। और ये भी आस किया जा सकता है कि राजपूत शैली वो किस राज्य से है, तो ये राजस्थान से है। नेक्स्ट, कला शब्द किस भाषा का है? तो ये संस्कृत का है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग
कितना होता है? 180। नेक्स्ट, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो ये जगदीश गुप्ता, डॉक्टर जगदीश गुप्ता। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद प्राणी का चित्र जो है वो गुफा संख्या 1 में मिलता है। इंद्रधनुष में कुल रंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? हरा होता है, हरा। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। मोनोकलर स्कीम किसे कहते हैं? बहुवर्णीय, कई कलरों से मिलकर जो बनाया जाए इसे मोनो कलर स्कीम कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर हम यूपी बोर्ड रिलेटेड हिंदी और SST की पूरी प्रिपरेशन आपकी कराएंगे। थैंक यू।